गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन या यूरोलिथियासिस के बारे में और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं होम्योपैथिक उपचार किडनी स्टोन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और पैथियों की तुलना में ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना किडनी स्टोन कैसे निकाल सकते हैं और क्या दवाई लेने से आपको पथरी दोबारा भी जीवन में कभी परेशान नहीं करेगी, बार बार नहीं बनेगी। किंतु मैं सुझाव देना चाहूंगी आप सभी लोगों की, कुछ लोग हैं जो YouTube वीडियोस देख के एक या दो होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत फेमस हैं उन्हीं को लेते रहते हैं साल साल भर, दो दो साल, चाहे उनको फायदा हो या ना हो। तो ऐसी फेमस मेडिसिन के पीछे ना भागे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि होम्योपैथी जो है एक लक्षणगत चिकित्सा पद्धति है। अपने लक्षणों के आधार पे आपको उपचार करना होता है। आप वीडियो में देखें कि मैंने मेडिसिन के क्या लक्षण बताए हैं, उनको अपने लक्षणों से मैच करें, वही दवा लें बताए अनुसार, इससे आपकी पथरी शत प्रतिशत निकल जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे शरीर के यूरिनरी सिस्टम की, जिसकी पथरी की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट साइड, जिनका काम है खून को छान के यूरिन का आउटपुट जिसमें टॉक्सिक पदार्थ हैं शरीर के बाहर निकालना। किडनी जो है राजमा शेप का ऑर्गन है जहाँ पे खून छनने के बाद यूरिन बनता है और वो यूरेटर जो कि पाइप लाइक ऑर्गन जुड़ा हुआ है किडनी से, आप देख सकते हैं डायग्राम में, उसके थ्रू एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर में आके यूरिन रुकता है, जिसके भर जाने पे हमें यूरिन पास करने की अर्जिंग होती है और यूरिथ्रा से होते हुए यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस पूरे सिस्टम में अगर कहीं भी पथरी फॉर्म होती है, क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, तो उसे यूरोलिथियासिस कहते हैं, और अगर क्रिस्टल किडनी में है तो उसे नेफ्रोलिथियासिस का नाम दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्रिस्टल फॉर्मेशन या स्टोन फॉर्मेशन का क्या पैथोजेनेसिस है। फ्रेंड्स, किडनी अपना नॉर्मली वर्क करती रहती है, जो कि उसका काम है कि खून को छानना और यूरिन के थ्रू शरीर से टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकालना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता कुछ प्रोडक्ट्स का, जैसे कैल्शियम, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, जिनकी वजह से किडनी में या यूरिनरी सिस्टम में क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। कई बार इनका कारण हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्रोहन डिजीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इस बारे में चर्चा मैंने आगे वीडियो में विस्तृत रूप से की है। इन सभी कारणों के होते हुए किडनी में या यूरिनरी सिस्टम में कुछ क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं। वहाँ पे प्रमोटर्स और इनहिबिटर्स का भी रोल होता है। उस क्रिस्टल का फिर न्यूक्लिएशन चालू होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, फर्दर एग्रीगेशन, सेकेंड न्यूक्लिएशन, ऐसे पड़े पड़े क्रिस्टल वहाँ पे फिक्सेट होने लगता है। मतलब पहले तो वो क्रिस्टल मोबाइल था, अब उसकी फिक्सेशन होने लग गई है, वो जमने लग गया है, पड़ा पड़ा वो बड़ा होता रहता है। आपने देखा होगा 30 mm तक की भी आगे तक की पथरी बनती है, जो कि फर्दर किडनी को डैमेज करके किडनी फेलियर तक कर सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पिक्चर शो की है चार तरीके, एक रीनल स्टोन की, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, सेकंड इज स्ट्रोवाइड स्टोन, थर्ड इज यूरिक एसिड स्टोन एंड फोर्थ वन इज सिस्टाइन स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन सबसे ज्यादा कॉमन है। 80-85% लोग जो रीनल कोलिक या रीनल स्टोन की कंप्लेन लेके आते हैं उन्हें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं हो रहा है और सिट्रेट की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। इसका कारण कई बार हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, तो आप लोग जिनको स्टोन हो तो साथ में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की जाँच भी करवा लें। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ लेडीज में या लोगों में मैंने देखा है कि वो अननेसेसरी कैल्शियम की गोलियां खाते रहते हैं, विटामिन डी की गोलियां खाते रहते हैं, उनको लगता है कि उनकी हड्डियां कमजोर हैं इसलिए वो ये लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर कैल्शियम मेटाबोलाइज नहीं होगा बॉडी में तो फिर वो जम के स्टोन बन जाएगी, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप इस तरह से कैल्शियम और विटामिन डी ना लें। सेकेंडली, कुछ लोग जो जिम जाते हैं वहाँ जाके वो मल्टी विटामिन या मल्टी मिनरल पाउडर्स लेते हैं, और अगर आपको उसके बाद स्टोन बन रही है तो प्लीज़ उसको सीरियसली बंद कर दीजिए, उसकी वजह से आपको स्टोन बन सकती है। सेकेंड टाइप ऑफ स्टोन इज स्ट्रोवाइड स्टोन। ये ज़्यादातर औरतों में कॉमन है। ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, कभी कभी पूरी किडनी को ये ऑक्यूपाई कर लेता है। इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे बार बार यूरिन आना, यूरिन गर्म आना, दर्द होना, साथ में उल्टी आना, फीवर आ जाना, ये इसके स्ट्रोवाइड स्टोन के सिम्टम्स हैं।
थर्ड इज यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन ज्यादातर मेन में होता है, इनमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इन लोगों को गाउट हो सकता है या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है गाउट की या किडनी स्टोन की। ये लोग पानी की मात्रा डेफिनेटली कम पीते हैं। आप लोगों को सलाह दूंगी, पानी आपको 8 से 10 ग्लास पर डे में कॉमनली पीना ही है हर किसी को। ये लोग एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए इनका एनिमल प्रोटीन बंद कर दिया जाता है। फोर्थ वन इज द सिस्टाइन स्टोन। सिस्टाइन स्टोन भी एक हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर सिस्टीन यूरिया की वजह से कॉमनली होते हैं। इनमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सिस्टाइन अमीनो एसिड है एक तरह का, वो रिलीज होता है जो कि किडनी में जाके जमने लगता है, जिसकी वजह से इनको सिस्टाइन स्टोन होती है। आप आराम से देख सकते हैं कि ये चार तरह के जो किडनी स्टोन की मैंने फोटो दी है यहाँ पे, इसी तरह के होते हैं। अगर ये निकलेगा किडनी स्टोन आपका तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का स्टोन है। पर डेफिनेटली आप सभी को पानी खूब पीना है। अब हम बात कर लेते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिंस की जो कि आपकी पथरी का चूरा बना के उसे शरीर से बाहर निकाल देंगी। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको बीज वाली चीज़ें जैसे भिंडी है, मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, लौकी, तोरू, इनके बीज आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं या ये सब्जी आप ना लें। साथ में दूध है, पनीर है, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी है। दही भी ना लें, इसकी जगह छाछ ले सकते हैं। पानी खूब पिएं क्योंकि मेडिसिन से पथरी तो टूट जाएगी लेकिन उसको निकालने के लिए एक पुश चाहिए जो कि पानी से ही मिलेगा। पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम 1M। ये आप किसी भी कंपनी की एडल, WSI, SBL अच्छी कंपनी की ला सकते हैं। इसको हर 7 दिन में भूखे पेट एक खुराक लेनी है। सेकेंड मेडिसिन है कैल्केरिया रीनलिस 30 या कैल्कुला रीनलिस 30। इसकी 4 गोली दिन में 3 बार आपको लेनी है लगातार रूप से, जब तक आपकी पथरी पूरी तरह निकल नहीं जाती। अब हम बात करेंगे 5 होम्योपैथिक मदर टिंचर्स की, जिनको लेने से पथरी का चूरा होकर वो यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से बाहर आ जाएगी। आपको देखना यह है कि मैं जिस मदर टिंचर का सिम्टम बताती हूँ, अगर उसके साथ आपके सिम्टम्स मैच होते हैं तो उस मदर टिंचर का सेवन आपको करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिम्टम 2-3 मदर टिंचर्स के सिम्टम्स के साथ मैच हों, तो उसको इक्वल क्वांटिटी में उन सभी मदर टिंचर्स को मिला के भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन इज बर्बेरिस वल्गैरिस, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मदर टिंचर है होम्योपैथी में पथरी निकालने के लिए। इसकी गुणवत्ता ये है कि ये पथरी का चूरा करके उसे शरीर के बाहर निकाल देती है। सेकेंड इज हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया में वाइट कलर के सेडिमेंट्स या क्रिस्टल्स बनते हैं किडनी में। इसमें बर्निंग होती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिन की, और इसका सिम्टम ये है कि यूरिन करने से पहले पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ये लेफ्ट साइडेड पथरी के लिए ज़्यादा इंडिकेटेड है। इसमें प्रोस्टेट की समस्या भी पुरुषों में कई बार देखी गई है। सारसा परीला मदर टिंचर की बात करें तो इसमें सिम्टम ये है कि लेफ्ट साइडेड पथरी की अच्छी मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को यूरिन पास करने के बाद बहुत तेज दर्द या जलन होती है। नेक्स्ट इज कैंथेरिस। कैंथेरिस कब इंडिकेटेड है? जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन हो यूरिन में, चाहे यूरिन करने से पहले, दौरान या बाद में, साथ में UTI अगर हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बुखार आ जाए, तो कैंथेरिस का मदर टिंचर आप ले सकते हैं। लास्ट इज ओसिमम कैन। ओसिमम कैन जो है यूरिक एसिड डायथेसिस की मेडिसिन है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है यूरिक एसिड बढ़ने की, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, साथ में पथरी है, तो आप ओसिमम कैन ले सकते हैं। इसमें यूरिन में रेड सैंड्स आते हैं, किडनी में दर्द होता है। ये ज़्यादातर राइट साइडेड पथरी के लिए इंडिकेटेड है। इनमें से आप देख लीजिए आपको जो सिम्टम मैच करते हैं वो मदर टिंचर आपको लेना है, पर डोज का निर्धारण योग्य चिकित्सक की सलाह से करें तो उपयुक्त रहेगा। मेडिसिन के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं। साथ में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं दवा बताऊंगी, ताकि पथरी अगर आपको थी निकल गई है तो वो दोबारा नहीं बनेगी, कभी परेशान नहीं करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।